पूरे शहर में जहां भगवान गणेश के आगमन के लिए पंडाल दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं, वहीं पर हम आपको दृश्य दर्शाने लेकर चल रहे धामनकर नाका मित्र मंडल, जो कि भिवंडी की शान है, वहां पर किस तरीके से भगवान के आगमन के लिए तैयारियां शुरू है हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं। कम से कम 110 फीट ऊंचा यह मंदिर, जो कि पुणे में स्थित गाथा मंदिर का दृश्य इस बार दर्शाने की कोशिश धामनकर नाका मित्र मंडल ने की है। संस्थापक अध्यक्ष संतोष मंजी या 68 में जो भी आयोजक रहे हैं, सबकी सराहना करनी होगी कि जिस तरीके से हर वर्ष यह कुछ नया हर वर्ष देने की कोशिश करती है धामनकर नाका मित्र मंडल, ये सचमुच में काबिले तारीफ है। हम आपको दिखा रहे हैं वो दृश्य जो मंदिर इस बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वहाँ पर खास करके एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर आयोजक संतोष मंजी या शेट्टी ने हमारी टीम से बातचीत की है, लेकर चलते हैं आपको सुनाने के लिए। संतोष मंजी या शेट्टी क्या जाना है? एक माह से शुरू रखा था, 31 साल हमारा। इस साल महाराष्ट्र का हमारे पुणे जिले में देव करके छोटा सा शहर है, गांव है, उसमें संत तुकाराम का मंदिर का हमने निर्माण किया, जो तुकाराम जी के तुकाराम भगवान के भक्त थे। इस बार इस मंदिर को किस तरह से बना रहे हैं आप? इसमें प्रदूषण पर्यावरण का क्या ध्यान रखा है आपने? गए 7-8 साल से हम लोग ने पीओपी ये सब बंद किए। प्रधानमंत्री जी का भी एक न्यूज आया था कि सब प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, तो इतने बड़े हाइट में 100 फीट की जो हाइट है, इसमें खाली कपड़ा बांबू खिला यही ऑपरेट, कई बार थर्माकोल को ज़्यादा ऑपरेट है, कई बार हम लोग ने 2-3% 5% वहाँ पे कुछ बहुत जरूरत कर ली, आगे साल वो भी नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की? नहीं, सुरक्षा लेके तो हमारी एक 3 साथी जो हमारे जो कार्यकर्ता है उनको भी बहुत सी जिम्मेदार दी हमें, और 3 सिक्योरिटी हमारे पास है, कैप्टन सिक्योरिटी है, यादव जी है और मिश्रा जी, ऐसे 3 सिक्योरिटी का है, और वायरलेस सेट रखा हूँ, हर एक को वायरलेस से थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और सीसी कैमरे पर 5 कैमरे और बढ़ाया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेवा दे सके। मेडिकल का पूरा एम्बुलेंस के साथ पूरी गाड़ी यहाँ पर रुकती है, और पुलिस के साथ में महापालिका के साथ में मिलकर हमने जो जो इंटेक्शन उन्होंने दिया है पुलिस डिपार्टमेंट ने महापालिका ने उसको भी पूरा कर रहे हैं, ताकि उनका इंटेक्शन से लेके भी आप पत्रकार भाई से भी लेके और भी कोई अच्छे अच्छे एनजीओ लोग हमको जो भी सजेशन देते वो सब हमने कोशिश की यहाँ पे आने जाने की पब्लिक को, यहाँ के कोई भी ट्रैफिक को, यहाँ पे दर्शन लेने को किसी भी कोई तकलीफ नहीं हो, उसकी पूरी हमने तैयारी रखी। इस बार गणेश भगवान की प्रतिमा क्या होगी, कैसे होगी और क्या उनको चढ़ावा क्या होगा, इसका विस्तार बताइए। नहीं, यहाँ ये बात तो जो मंदिर है और जो तुकाराम संत जी का जो मूर्ति है और विठ्ठल भगवान का भी एक मूर्ति है, तो ये बार हमने रामेश्वर मंदिर से धामनगर तक एक चांदी का पादुका बनाया, जो वारकरी समाज जो भी हम लोग उनके साथ मिलके यहाँ से रामेश्वर मंदिर से धामनगर आएगा और जो पादुका है उस पंडाल में रखा जाएगा संत तुकाराम भगवान के सामने, और गणपति होने के बाद ये पादुका हम जहाँ मंदिर वहाँ देना, और अंदर जो गणपति जहाँ बैठी है वो बहुत देखने जैसे लायक है, सभी को बोले आके देखना चाहिए। एक महल बना है, वो एक अलग तरीके का महल है और उस पर गणपति भगवान विराजमान हुए, और मुसकरा जो चूहे का उनका जो बोलते हो ये विवाह है, वो एक अच्छा कुछ अलग बनाने की कोशिश किया हमें, लाफिंग बुद्धा के जगह पे उसका चेहरा लगाया हूँ और सेल्फी अंदर जाके ले गए, ऐसा प्लानिंग। लगातार 12 दिन तक भगवान के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों की काफी भीड़ लगती है और काफी लंबी लाइनें और रात देर तक चलती, क्या व्यवस्था किया है आपने इस साल? बताया ना आपको, हम लोग ने लाइन कितने भी आएंगे तो हमारे सभी कार्यकर्ता हमने लगा दिए, आगे 21 साल से जो संभाल रहा है वही आज संभाल रहे हैं, आज हो गए तो उनका बच्चा तैयार हो गया, वो हमको प्रॉब्लम नहीं आए। पब्लिक कितनी भी है, इस बार CCTV कैमरे कितने रहेंगे? इस बार 20-22 है, 5 बड़ा है सर, अलग अलग तरीके से। नहीं बोलो, आपको ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, 3,500 बच्चे पार्ट लेके मुरली माता हॉल में रखा है, और सिलाई मशीन काट रखा है,
कई बार आयुष्मान भारत जो 5-5 लाख का जो इंश्योरेंस है, जो सम्मान्य प्रधानमंत्री सहायता मिल रही है, देश में जो गरीब आदमी सोच सकता नहीं कि मेरा ऑपरेशन में कर सकता, तो 5-5 लाख का जो इंश्योरेंस का जो कार्ड है वो हमने अभी से बनाना चालू किया है और उसके हम लोग हजारों की तादाद में उसको बांटेंगे, ताकि वो आदमी जब जेब में कार्ड रहेगा उसके पास जो कार्ड आयुष्मान कभी लगे कुछ भी हो तो मेरे पास बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाके वो इलाज कर सकता है उसका नियोजन। इस बार गणपति उत्सव को लेकर मंदिर पूरी हाइट 115-120 फीट तक हाइट है पूरे मंडप की, मूर्ति जो हमारे 13 फुट का हाइट है और जो संत तुकाराम का जो उनको 5 फीट का हाइट है और अंदर दिखने ये बने भक्तों से क्या मांग रहे हैं। मैं यही आवाम दूंगा गणेश भक्तों से क्या इतना जो बनाया कि हम हरदम भिवंडी के हर समाज के लोग आके देखना चाहिए, इसलिए बात है तो हर समाज से लोग इसको आके देखना चाहिए। इस बार गणपति को जो भी आपकी मन्नत है वो आप मांगोगे तो पूरी होगी, ये ऐसा हकीकत है, जो भी चीज आप उनसे मांगो तो अन्ना एक सवाल और है, बहुत लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आने वाले हैं, बड़े बड़े स्टार आने वाले हैं और भी जो भी समाज में जो अच्छा काम करते उन सबको इनवाइट किया। अन्ना लास्ट सवाल ये है, देखा जाए पूरे देश हमारी संस्था के तरफ से यहाँ पे हम खुद एक टेबल रखेंगे जिससे ताकि जिसको मदद करे वो मदद का फंड हम मुख्यमंत्री फंड में देंगे और मुझे गांव से मेरा संपर्क शुरू है और अगर गांव मुझसे संपर्क फाइल होता है तो चावल गेहूँ पैसे सब देखे जा रहे हैं, लेकिन बचने के बाद अभी तो प्रॉब्लम आया उनको बुक से, बहुत बच्चे के बुक खराब हो गए, बैग खराब हो गए, फैन इलेक्ट्रिक चीज खराब हो गई, तो ऐसा चीज़ हम जो भी हजारे गांव का जो गांव रहेगा उस गांव में हम दत्तक लेके फैन इलेक्ट्रिक लाइट पुस्तक बैग पेन पेंसिल ऐसा जो भी चीज़ जो उनको जरूरत से जो भी जरूरत चीज़ें वो जो भी रहेगी गाँव का।